भारत एक ऐसा देश है जिस देश के अलग अलग कोने में, प्रांतों में, शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र के परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य के माध्यम से नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की योजना अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर नागरिकों को सेवाएं देने के लिए भारतवर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जाल बुना गया है। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सुचारू ढंग से परिचालन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर 6 उपकेंद्र के लिए एक रेफरल यूनिट के तौर पर काम करता है। यदि जनसंख्या के बारे में सोचा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हर 30,000 जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम करता है, तो वही पर्वतीय प्रदेश में 20,000 जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाता है, जिसे PHC कहते हैं। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य अधिकारी को हर सेवा में सहयोग देने वाले 14 कर्मचारी काम करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे अपनी सेवाएं नागरिकों को देते हैं। यहाँ के डॉक्टर अपने सहयोगियों के साथ दिन भर और समय आने पर रात में भी गांव के मरीजों की सेवा करते हैं। बारिश के मौसम में पनपने वाले रोगों पर नियंत्रण पाने का काम समाज के अच्छे डॉक्टर अपनी बेहतरीन सेवा देकर सामाजिक काम बखूबी के साथ निभाते हैं। इतना ही नहीं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम पर अमल करना, महत्वपूर्ण जानकारी रखना, विशेष रूप से आने वाले पेशेंट की संख्या बल का आंकड़ा जमा करना आदि कामों के रेफरल व प्रयोगशाला जैसी सेवा आदि देने का काम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC देता है। दर्शकों, इस समय हमारे BCN संवाददाता संजय मिरे आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पाजगांव उपकेंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र कच्चीमेट, वड़द आदि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे है। आइए देखते हैं पाजगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्पेशल स्टोरी हेल्थ इज वेल्थ में। आइए देखते हैं। तो दर्शकों, हम आपको सीधा ले चलते हैं तहसील उमरेड के पाजगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। चलिए, नागपुर के 0 माइल से 25 किलोमीटर के दूरी पर आने वाले पाजगांव, कच्चीमेट, वड़द आदि गांव के लिए ये जो आप सड़क देख रहे हो, ये सीधी स्वास्थ्य केंद्र पर जाती है। सफर के दौरान कुछ जगह सड़कें उबड़ खुबड़ अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ सड़कें सुंदर वादियों के बीच से निकलकर कोलतार की सड़कें दिखाई दिए। BCN की टीम जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसी सड़क से आगे बढ़ रही थी, जिसका इंतजार था। ऐसे पाजगांव स्वास्थ्य केंद्र पर BCN की टीम जब पहुंची और एक नजर स्वास्थ्य केंद्र के बोर्ड को देख ही रही थी कि सामने में इसी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर चंद्रसूरज डोंगरवार, जो कि पाजगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य वैद्यकीय अधिकारी है, जो किसी कॉल को अटेंड करने तथा चेकअप करने जा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर डोंगरवार इसी वाहन से आगे बढ़ रहे थे, उनके ठीक पीछे BCN टीम केंद्र के कामकाज के बारे में जानकारी ले रहे थे कि वाहन के ब्रेक जिला परिषद प्राथमिक स्कूल कच्चीमेट परिसर में लगे। गांव की महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर चेकअप करने के लिए पैदल आ रही थी। गाँव के बच्चे विशेष रूप से खुश नजर आए। डॉक्टर डोंगरवार आते ही बच्चे उनके पीछे पीछे एक लाइन में चेकअप के लिए जाते दिखाई दिए। हर महिला अपने बच्चों का हेल्थ चेकअप करने के लिए कुछ खड़ी नजर आई तो कुछ महिला बैठी दिखाई दे रही थी अपने नंबर के इंतजार में। एक एक कर सभी छोटे बच्चों की जांच डॉक्टर कर रहे थे। कोई जोर जोर से रो रहा था तो कोई बच्चा अपनी सुंदर मुस्कान बिखेरता हुआ दिखाई दिया। इलाज के लिए आने वालों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा था। डॉक्टर डोंगरवार इन्होंने दर्जनों बच्चों का चेकअप किया। कुछ बच्चे स्वस्थ दिखे तो कुछ बच्चे काफी कमजोर नजर आए, तो वहीं कुछ बच्चों को दिल की बीमारी दिखी, तो किसी छोटे बच्चे को पेशाब की जगह अंडाशय बीमारी के लक्षण पाए गए। डॉक्टर डोंगरवार इन्होंने सभी महिलाओं को मार्गदर्शन किया, कोरोना को देखते हुए वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप आदि के बारे में जानकारी दी। दूर दराज से पैदल आए ग्रामीण की महिलाओं ने डॉक्टर चंद्रसूरज डोंगरवार के कामों की सराहना करते हुए BCN समक्ष जानकारी दी। आज इस कौन से गांव के आप रहने वाले हो, क्या कहना चाहोगी? कच्चीमेट की रहने वाली हूं। नाम? वर्षा चंद्र जी मोगरे। क्यों आती है आंगनवाड़ी? तपासनी करने के लिए, आहार लेने के लिए। क्या यहाँ पे डॉक्टर बराबर आते हैं, कामकाज बराबर होता है, दवाइयाँ बराबर मिलती है? हाँ।
जब क्या हुआ आपके बच्चों को जब चेकअप करने आई तो? हार्ट की प्रॉब्लम बताएं। फिर वहाँ लाने के लिए कहाँ डॉक्टर साहब? जब आप यहाँ पे बच्चों को दिखाने के लिए आई तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने, और क्या यहाँ पे बराबर सुविधाएं मिलती है इस कच्ची मेट आंगनवाड़ी केंद्र पर? हाँ, मेरे बेटे को चेक करने के बाद वो हर्निया का बताया और आंगनवाड़ी में सब चेक करते जी। और अनाज मिलते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र कच्ची मेट में बच्चों का वजन करने के लिए जब वेइंग मशीन दिखाई नहीं दी, जिसे बच्चों को असुविधा हुई कि जिस पर वड़द की महिला सरपंच ने जल्द से जल्द कच्ची मेट में बच्चों के लिए वेइंग मशीन लगा देने की बात को आश्वस्त किया। बीसीएन टीम ने सरपंच और डॉक्टर डोंगरवार से बात की तो दोनों ने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। सर, आज जिस प्रकार से ये जो आपने जो चेकअप किया है, रोजाना क्या संख्या होती है, क्योंकि कोरोना का कार्यकाल और भी नज़दीक आया हुआ है, क्योंकि अभी पूरा संक्रमण गया हुआ नहीं है? हाँ, मैं डॉक्टर चंद्र सुरेश डोंगरवार 3.5 साल से पाजगांव पीएससी में वैद्यकीय अधिकारी का मुख्य वैद्यकीय अधिकारी का काम करता हूँ। और ये कच्चे मेट आंगनवाड़ी केंद्र मेरे तरफ चेकअप में आता है। हर महीने में मैं आंगनवाड़ी चेकअप के लिए आता हूँ और यहाँ बच्चों का रेगुलर चेकअप होता है। आज के चेकअप में मैं जो आया तो एक बच्चों को हार्ट डिसीज निकला है और दूसरे को कंजेनाइटल हर्निया है। वो हर्निया का ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाएगा और हार्ट डिसीज वाले बच्चों के पूरे चेकअप के लिए उसका 2D इको करना है या और आगे ब्लड चेकअप करना है, वो किया जाएगा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब मैं आता हूँ तब यहाँ अपने बच्चों को चेकअप के लिए लाते हैं, वजन करते हैं। यहाँ का जो आहार है, पोषण, पूरक पोषण आहार, वो भी इनको बराबर कैसा देना वो समझाया जाता है और बहुत अच्छे से यहाँ पर हेल्थ चेकअप का काम चल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी बात एक देखने के लिए आए कि जब कच्ची मेट में बीसीएन ने दौरा किया तो इसी आंगनवाड़ी में जो एक बच्चों को जिसके ऊपर में तोला जाता है, गिना जाता है, उनका वजन लिया जाता है, वो मशीन नदारद दिखी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बात सही है कि जो बच्चों के लिए दो तरह की मशीन आती है, जो बच्चे खड़े रह सकते हैं उनके लिए वेइंग मशीन आती है और दूसरी जो बच्चे खड़े नहीं रह सकते होते झूला वाली जो छोटी मशीन आती है, वो मशीन यहाँ नहीं है, लेकिन बाजू के आंगनवाड़ी से लाके यहाँ पर वजन लिया जाता है। सन्माननीय यहाँ के CDPO लखोटे जी और MS सिरसागर मैडम है, उनको बोला हूँ तो वो जल्द से जल्द, और यहाँ के सरपंच भी बोले कि मैं मशीन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ और जल्दी से जल्दी वो 2-4 दिन में मशीन आ जाएगी और बहुत अच्छा सा सहयोग रहता है इस गांव का। आप इस गांव की सरपंच हो, क्या कहना चाहोगे? जब बीसीएन ने यहां पे मुआयना किया तो यहां के कच्ची मेट आंगनवाड़ी में बच्चों का जो वहां पे वजन होता है, वेइंग होता है, वो मशीन वहां पे नहीं थी। आप सरपंच हो, कितने दिनों में वहां पे मशीन उपलब्ध करवाओगी? मैं आम्रपाली प्रबुद्ध खैरे सरपंच। मी या नात्याने डॉक्टर डोंगरवार इथे कच्ची मेट मध्ये भेट दिली, तिथे वजन काटा नाही आहे, तर मी या आरोग्य फंडातून 4 दिवसांमध्ये देणार। काय नाव? आम्रपाली प्रबुद्ध खैरे। गाव? गटग्राम पंचायत मटकाझरी वडद। भारत एक ऐसा देश है जिस देश के अलग अलग कोने में, प्रांतों में, शहरों में और ग्रामीण परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के योजना अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर नागरिकों को सेवाएं देने के लिए भारतवर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जाला बुना गया है। ऐसे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का सुचारू ढंग से परिचालन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर 6 उपकेंद्र के लिए एक रेफरल यूनिट के तौर पर कामकाज करता है। यदि जनसंख्या के बारे में सोचा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में हर 30,000 जनसंख्या के पीछे एक प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का काम करता है, तो वहीं पर्वतीय प्रदेश में 20,000 जनसंख्या के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाता है, इसे PHC, जिसे PHC कहते हैं। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य अधिकारी को हर काम में सहयोग सेवा देने वाले 14 कर्मचारी काम करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे अपनी सेवाएं नागरिकों को देते हैं। यहाँ के डॉक्टर अपने सहयोगियों के साथ दिन भर और रात में भी नागरिकों की सेवा करते हैं।
ग्रामीण में बारिश के मौसम में निकलने और पनपने वाले रोगों पर नियंत्रण पाने का काम समाज के अच्छे डॉक्टर अपनी बेहतरीन सेवा देकर सामाजिक काम बखूबी के साथ करते रहते हैं। श्रद्धा, ईमानदारी और काम के प्रति सही लगाव होने से मरीजों को इसका लाभ ही होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम पर अमल करना, महत्वपूर्ण विशेष जानकारी रखना, विशेष रूप से आने वाले पेशेंट की संख्या बल का आंकड़ा जमा करना आदि कामों के रेफरल व प्रयोगशाला जैसी सेवाएं देना आदि काम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC देता है। दर्शकों, डॉक्टर चंद्रसूरज डोंगरवार ने अब तक उमरेठ, गढ़चिरौली और उससे सटे कई गांवों में जाकर वहां के लोगों की अच्छी सेवाएं दी है और एक मुख्य वैद्यकीय अधिकारी के तौर पर हर आंगनवाड़ी और हर गांव-गांव जाकर उत्तम सेवाएं दे रहे हैं। गांव वाले डॉक्टर साहब के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर शिविर पर अमल करना हो या फिर आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर गांव के लोगों का स्वास्थ्य चेकअप हो, उनके छोटे मासूम बच्चों का चेकअप कर उन्हें दवाई देकर बच्चों में खुशी पैदा करते हैं। मानवता और रोगियों की सेवाई सच्चा धर्म है और जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक मैं गांव के बच्चों की सेवा करता रहूंगा, उनका स्वास्थ्य मजबूत कराकर उन्हें एक सक्षम व्यक्ति और आत्मनिर्भर करने का काम करते रहूंगा। ये सब मानव सेवा करने की प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली है। ये बातें बताते हुए डॉक्टर चंद्रसूरज डोंगरवार इन्होंने इस स्वास्थ्य कैंप के बारे में BCN समक्ष जानकारी दी। डॉक्टर चंद्रसूरज डोंगरवार, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी कच्छ, ये मेट में मैं जब चेकअप के लिए आता हूँ, यहाँ के सभी लोग अच्छे से ये चेकअप को सहयोग करते हैं और आज खास तौर पर BCN की जो टीम आई है और इन्होंने जो यहाँ का सभी का जो ये है चेकअप वगैरह नोट कर लिया और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे PSC की तरफ से और ये कच्छ मेट आंगनवाड़ी की तरफ से, थैंक यू। केंद्र पाँचगांव के अंतर्गत तकरीबन 70 आंगनवाड़ियाँ आती है जहाँ इस बस्ती के, इस गांव के, इस परिसर के नागरिकों की, महिलाओं की, छोटे बच्चों की यहाँ पे खास तौर पे यहाँ लाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनके छोटे बच्चों की जांच होती है, इस गांव वालों की जांच होती है महीने में एक बार, जो कि आज शहर के मशहूर डॉक्टर जिनका ग्रामीण में काफ़ी अच्छा कामकाज है, हमेशा अपने मरीजों की सेवा में लग रहे थे, सेवा ही मेरा धर्म समझने वाले ऐसे डॉक्टर डोंगरवार, इन्होंने आज यहाँ पे चेकअप का काम किया और जो क्रिटिकल जो चेकअप में जैसे एक अंडकोश का एक पार्ट हो या फिर हार्ट से जुड़ा हुआ हो, इसके बारे में जो बच्चों में इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण जो पाए गए, उसके लिए डॉक्टर साहब ने उन्हें मार्गदर्शन करते हुए बहुत जल्द वे भी अच्छा हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन एक बात तो यहाँ खटक रही है कि जिस प्रकार से आज दिन पश्चिम में आंगनवाड़ी में आई है, यहाँ पे जो वेइंग मशीन जो होती है वो नहीं है, जिसके चलते यहाँ पे बच्चों का वजन करने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ा, बच्चों का रोना अपना अलग था। ऐसे में ये जो एक असुविधाओं का जो माहौल दिखाओ कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है, इसलिए बेहतर है कि ये इसे और गट ग्राम पंचायत हो, नगर परिषद हो, इससे जुड़े हुए कोई भी विभाग हो, उन्होंने तत्काल यहाँ मदद ला के देना चाहिए। डॉक्टर अपना अच्छा काम कर रहे हैं बशर्ते प्रशासन भी अपना अच्छा काम दिखाए। पाँचगांव के इस कच्छमेट आंगनवाड़ी से संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।